नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आपका हार्दिक स्वागत है। 35712 पर आज क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी की। कई दिनों बाद आज इसने एक बहुत ही अच्छी ऊपर की रफ्तार दिखाई है। दोस्तों, आज आशा यही करता हूं कि आप सबने अच्छा खासा पैसा कमाया होगा। अब बात करेंगे बुधवार यानी कि 25 अगस्त 2021 को किस तरह से आपको बैंक निफ्टी पे काम करना है और कौन सी ऑप्शन में आपको फायदा हो सकता है। दोस्तों, उससे पहले मैं ये बता दूं आपको कि यहाँ पे सिर्फ ये डिस्कशन एकेडमिक है और इसका कोई भी बाय और सेल से कोई लेना देना नहीं है। आपको बाइंग सेलिंग जो भी करनी है वो आप अपने तजुर्बे से, अपनी नॉलेज से और अपने साथियों की और अपने जो फाइनेंशियल सलाहकार हैं उनकी एडवाइजर की सलाह से ही करें। कल को दोस्तों जो बैंक निफ्टी का सेटअप है वो इस तरह से है, कुछ जब भी 35,818 के ऊपर मार्केट जाने लगे तो आपको 35,800 की कॉल, 35,800 की बैंक निफ्टी की कॉल आप ले सकते हैं। आपको फर्स्ट लेवल आएगा 35,953 के लिए। 35,953 का आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। मेरा तो फर्स्ट टारगेट यही होगा, मैं आज वही बता रहा हूं जो मेरा कल को सेटअप होने वाला है। उसके बाद दोस्तों, अगर 35,953 भी एक बार सस्टेन करता है तो आपको हो सकता है कि कल ही 36,080 भी देखने को मिल जाए। कल को मैं सेल की किसी को सलाह नहीं दूंगा क्योंकि मैं बुलिशनेस देख रहा हूं उन बैंक निफ्टी में और ऐसा ही मेरे को लगता है कि इससे भी ऊपर कल को जाने के आसार हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों निफ्टी फिफ्टी के कल के सेटअप की। अगर निफ्टी फिफ्टी के सेटअप की बात करूं तो दोस्तों मेरे को ऐसा कहीं ना कहीं लगता है, और मैं आपसे भी यही पूछना चाहता हूं कि क्या आपको कहीं ऐसा लगता है कि निफ्टी फिफ्टी एक और अपने नए हाई की ओर अग्रसर हो रहा है? जरूर कमेंट में बताइएगा अगर आपको ऐसा लगता है, हाँ या ना, क्या लगता है वो जरूर बताइएगा। अब दोस्तों, निफ्टी में भी बहुत अच्छी तेजी थी, अब कुछ दिनों से आप देख रहे हैं तेजी है। अब कई लोग मेरे से पूछते हैं, सर मेरे स्टॉक्स जो हैं वो तो डाउन जा रहे हैं लेकिन निफ्टी ऊपर जा रहा है। जी दोस्तों, किसी दिन ये इंडेक्स मैनेजमेंट हो रही है। इंडेक्स मैनेजमेंट में क्या होता है, किसी दिन आईटी सेक्टर चला दिया जाता है, किसी दिन मेटल सेक्टर चला दिया जाता है, किसी दिन एफएमसीजी चला दिया जाता है, और आज क्या चला दिया गया, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर चला दिया गया। अब बात हम कर रहे हैं यार निफ्टी कल को किस तरह से प्ले कर सकता है। देखिए, निफ्टी का सेटअप ऐसा है कि 16,624 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है और मेरा मानना है 16,640, 16,639, 640 के आसपास अगर सस्टेन करता हुआ आपको निफ्टी कल को दिखता है तो आप पहला टारगेट होगा 16,667 का, और अगर वो भी टारगेट हमारे हिट कर देता है तो उसके बाद आपको टारगेट दिखेगा 16,693 का। और अगर 16,693 भी कल को कट गया तो कल को हम एक नया हाई लगता हुआ निफ्टी में देख सकते हैं। अब अगर निफ्टी ने कल को उल्टी चाल दिखाई तो आपको कहां पे सेल करना है निफ्टी? देखिए, निफ्टी के सेल करने के चांसेस भी मुझे लगते नहीं है कल को आएंगे, लेकिन हाँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग दोज लेवल्स 16,495 या मान लीजिए 16,500 से नीचे अगर जाता है निफ्टी तो आप वहां से सेल कर सकते हैं 16,471 के लिए और उसके बाद 16,443 के लिए। लेकिन ऐसा होता हुए कि संभावनाएं मुझे कम नजर आ रही हैं, तो आशा यही करता हूं कि कल को आपको जो मैंने बैंक निफ्टी का बताया है वो और निफ्टी में पैसा आप बनाएंगे इसी तरह। अब आज का देख लेते हैं कि आज का सिनेरियो क्या रहा। और आज की बात करें, सबसे पहले निफ्टी की बात कर रहे थे, निफ्टी की ओपनिंग हुई 16,561 पर। 16,561 पर निफ्टी की ओपनिंग के बाद लो लगाया 16,495 का, हाई लगा 16,647, लगभग 16,650 के आसपास जाके हाई लगा के वापस मुड़ा नीचे को 16,624 पे जाके क्लोजिंग दी। एडवांसेस में थे 35 स्टॉक्स और डिक्लाइंस में 15, और टॉप गेनर्स कौन थे, बजाज फिनसर्व, हिंडालको, अदानी पोर्ट्स, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस। लूजर्स
जो ड्रैगर्स थे निफ्टी के, आज जो नीचे की कोशिश कर रहे थे खींचने की, वो थे नेस्ले इंडिया, ब्रिटानिया, ये दोनों ही दोनों। अभी जैसे मैंने आज आपको बताया कि हर रोज क्या हो रहा है, इंडेक्स मैनेजमेंट, किसी दिन एफएमसीजी को चलाया जाता है, तो नेस्ले इंडिया गेनर्स में था अभी एक दो दिन पहले, ब्रिटानिया गेनर्स में था एफएमसीजी सेक्टर के, एशियन पेंट्स गेनर्स में था, एचडीएफसी लिमिटेड, इंफोसिस, ये सब, इंफोसिस क्या है, आईटी सेक्टर का स्टॉक है, ये भी आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से आपके स्टॉक्स को क्या किया जा रहा है, इंडेक्स मैनेजमेंट की जा रही है। बात करेंगे निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक की ओपनिंग हुई 35,200 पर, 35,200 पर हाई लगा 35,795, लो देखिए कितना लगा था दोस्तों 35,070। जिसने आज लो से खरीदा होगा और अभी भी बैठा होगा, या लास्ट में जिसने क्लोजिंग पे निकल गया होगा एग्जिट करके, वो सोचिए कितना अच्छा पैसा बना के गया है। एडवांसेस में थे 10 और डिक्लाइंस में सिर्फ दो स्टॉक्स थे, वो थे बंधन बैंक और कोटक बैंक। इसके अलावा आज सबसे ज्यादा तेजी देखी गई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, लगभग 5% चला, एयू बैंक, दोनों ही छोटे बैंक हैं लेकिन तेजी बहुत अच्छी थी, आरबीएल बैंक, फेडरल बैंक और एचडीएफसी बैंक भी लगभग 2.25% चला। तो दोस्तों ये थी आज की सारी की सारी जो समरी है और कल जो होने वाली संभावना है उस पर मेरी चर्चा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो, मेरा ये चैनल पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आता है तो मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप डिसलाइक कीजिए और जरूर जरूर मुझे बताइए कि क्यों डिसलाइक किया कॉमेंट्स में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।